नमस्कार दोस्तों, प्रेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैक्रोनी बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। मैक्रोनी उबली हुई है, हमने इसको उबाल कर रख लिया है। एक बाउल प्याज कटा हुआ, कद्दूकस किया हुआ गाजर है, शिमला मिर्च कटा हुआ है, चौकोर इस तरह से कटा हुआ है, चीज़ है और हरी धनिया है, रेड चिली सॉस चाहिए, सोया सॉस चाहिए, टमाटो सॉस चाहिए, ऑयल चाहिए। अब हम बनाएंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक चम्मच के लगभग है। तेल गरम हो चुका है, इसमें प्याज डालेंगे। पहले हम प्याज हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा पकाना है हमें, ज़्यादा नहीं। प्याज हल्का सा पकाना है, इसके बाद हमें शिमला मिर्च डालना है। सब्जियां बहुत पकनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च डालने के बाद गाजर डालेंगे। लगभग हो गया है हल्का ब्राउन, अब हमें गाजर डालना है। इस तरह थोड़ी देर चलाते रहिए, इसके बाद हल्का सा नमक डालना है, बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। सब्जी बहुत ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए, थोड़ा क्रंची रहने से अच्छा लगता है खाने में। हम इसको डालेंगे मैक्रोनी को, धीरे इसको चलाते रहना है। पास्ता मैक्रोनी डालने के बाद हमें सॉस मिलाना है, रेड चिली सॉस है ये। थोड़ा सा टमाटो सॉस डालेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, को मिक्स कर लेना है, इस तरह से मिलाना है अच्छी तरह से। अब हम चीज़ डालेंगे थोड़ा सा, मेल्ट होने तक चलाएंगे इसको, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम प्लेट करेंगे। अब इसको प्लेट सर्व करेंगे। इसको हम सर्व करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे इस तरह से। मैक्रोनी बनके तैयार है, सर्व कर लेते हैं इसको इस तरह से। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
आपने सुझाव हमें दीजिए,